हेलो दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से 35 तक की डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गया था। अब कंटिन्यू आगे करेंगे 23 से। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 23। CDMA 2001 into EV provides high speed data access with channel allocation of option A 5 MHz, option B 50 MHz, option C 1.2 MHz and option D 4 MHz. तो जो CDMA 2001 into EV provides होता है, ये 1.25 MHz पे वर्क करता है। मतलब उसके लिए चैनल जो एलोकेशन होता है 1.25 MHz की फ्रीक्वेंसी को एलोकेट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। इन TD-SDMA देयर इज अ फ्रेम ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स मिली सेकेंड्स एंड द फ्रेम इज डिवाइडेड इनटू फिल इन द ब्लैंक्स टाइम स्लॉट्स। तो इसके लिए आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा 5.7। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। द इंटरफेरेंस बिटवीन द नेबरिंग बेस स्टेशन इज अवॉइडेड बाय ऑप्शन ए असाइनिंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ चैनल्स, बी यूजिंग ट्रांसमीटर्स विद डिफरेंट पावर लेवल, सी यूजिंग डिफरेंट एंटीनास एंड डी ऑल ऑफ द अबव। वो आपको यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, असाइनिंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ चैनल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। रेडियो कैपेसिटी में बी इंक्रीज्ड इन सेलुलर कॉन्सेप्ट बाय ऑप्शन ए इंक्रीज इन रेडियो स्पेक्ट्रम, बी इंक्रीज द नंबर ऑफ बेस स्टेशंस एंड यूजिंग द चैनल्स, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन यहाँ बी सही होगा, इंक्रीज द नंबर ऑफ बेस स्टेशंस एंड यूजिंग द चैनल। क्वेश्चन नंबर 27। द शेप ऑफ द सेलुलर रीजन फॉर मैक्सिमम रेडियो कवरेज इज ऑप्शन ए सर्कुलर, बी स्क्वायर, सी ओवल एंड डी हेक्सागन। तो जो मैक्सिमम रेडियो कवरेज के लिए सेलुलर रीजन का शेप होता है वो कैसा होता है, हेक्सागन होता है। तो ये ऑप्शन डी सही होगा। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28। हेक्सागन शेप इज यूज्ड फॉर रेडियो कवरेज फॉर अ सेल बिकॉज ऑप्शन ए इट यूजेस द मैक्सिमम एरिया फॉर कवरेज, ऑप्शन बी फीवर नंबर ऑफ सेल्स आर रिक्वायर्ड, ऑप्शन सी इट अप्रॉक्सीमेट्स सर्कुलर रेडिएशन पैटर्न एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ऊपर के तीनों रीजन जो होते हैं वो हेक्सागन शेप के लिए लाई करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29। सेंटर एक्साइटेड हेक्सागोनल सेल्स यूज ऑप्शन ए सेक्टर डायरेक्शनल एंटीनास, बी ओमनी डायरेक्शनल एंटीनास, सी यागी उदा एंटीनास एंड डी नन ऑफ द अबव। तो जो सेंटर सेल होती है वो ओमनी डायरेक्शनल एंटीनास का यूज़ करती हैं। ओके, और जो सेक्टर पे होगा वो सेक्टर डायरेक्शनल एंटीनास यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी सही है, ओमनी डायरेक्शनल एंटीनास। क्वेश्चन नंबर 30। स्पेक्ट्रम इफिशियंसी ऑफ अ सेलुलर नेटवर्क इज ऑप्शन ए द ट्रैफिक कैरीड बाय होल नेटवर्क, बी द ट्रैफिक कैरीड पर सेल डिवाइडेड बाय द बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम एंड एरिया ऑफ अ सेल, ऑप्शन सी एक्सप्रेस्ड इन अरलैंग पर मेगाहर्ट्ज़ पर किलोमीटर स्क्वायर एंड डी बोथ बी एंड सी एंड ई बोथ ए एंड सी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 31। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्रीक्वेंसी रीयूज ऑप्शन ए इंक्रीज्ड कैपेसिटी, बी लिमिटेड स्पेक्ट्रम इज रिक्वायर्ड, सी सेम स्पेक्ट्रम में बी एलोकेट टू द अदर नेटवर्क एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन ही फ्रीक्वेंसी रीयूज के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 32। दी स्ट्रेटजीज एक्वायर्ड फॉर चैनल असाइनमेंट्स आर ऑप्शन ए फिक्स्ड, बी डायनेमिक, सी रेगुलर, डी बोथ ए एंड बी एंड ई
बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 33। इन अ फिक्स्ड चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजीज इफ ऑल द असाइंड चैनल आर ऑक्यूपाइड द सेल ए गेट ट्रांसफर टू अनदर सेल, बी गेट्स ब्लॉक्ड, सी इज केप्ट ऑन वेटिंग, डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, गेट्स ब्लॉक्ड। क्वेश्चन नंबर 34। इन अ फिक्स्ड चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजीज ईच सेल इज असाइंड अ प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, बी द कॉल इज सर्व्ड बाय अनयूज्ड चैनल्स ऑफ द सेल, सी द कॉल गेट्स ब्लॉक इफ ऑल द चैनल्स ऑफ द सेल आर ऑक्यूपाइड, डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 35 एंड लास्ट क्वेश्चन। इन अ डायनेमिक चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजी, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, देन आप लोग देंगे तो मैं इसका आंसर ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। अगर आपको वहाँ अच्छा लगता हो, समझ में आता हो मैं क्या पढ़ाता हूँ, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।